वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी के परांठे। मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स आपको क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए होगी कटी हुई मेथी, आटा। आटे में आप मिक्स भी यूज कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर और आपका वीट का आटा, और या फिर आप मैदा। मैंने इसमें मिक्सचर यूज किया है कॉर्नफ्लोर का और मैदे का। अब आपको जो वेजिटेबल्स में यूज करना है, बारीक कटी हुई मिर्च, ऑनियन कटे हुए, धनिया, लहसुन कटी हुई, अदरक कटी हुई। और मसालों में आपको यूज करना है रेड मिर्ची, जीरा, हल्दी, नमक और गरम मसाला अकॉर्डिंग टू योर यूज। अब आपको क्या करना है, कटी हुई मेथी में आटा मिक्स कर लेना है। हम इसे गूंधेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग आटा यूज कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा मेथी यूज करना चाहते हैं वो कम आटा यूज करके भी इसे गूंध सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये ले लिया है हमने, लेकर अब हम इसे गूंधेंगे। अब आपने इसमें क्या करना है, मसाले डाल लेने हैं। रेड मिर्ची, ये आपका हल्दी, नमक स्वाद अनुसार डालना है, और गरम मसाला, मिर्ची, ऑनियन। ऑनियन आप जितने ज्यादा यूज करना चाहें आपकी मर्जी है। अदरक थोड़ी सी, लहसुन और आपका धनिया, और फिर आपको इन सबको मिक्स करके अच्छे से गूंध लेना है। ये देखिए, अब आपका ये गूंध चुका है आटा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका पेड़ा बना लेना है। इस तरह से हम छोटा सा पेड़ा लेंगे, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं मेथी के परांठे। ये आपका पेड़ा बन चुका है, अब हम इसे बेल लेंगे। इस तरह से गोलाकार में ठीक है, ऐसे आपको इसे बेल लेना। अभी बेल लिया है हमने परांठा, अब हमें गैस ऑन करनी है और तवा रखना है। मैं गैस ऑन कर चुकी हूं और तवा रख दिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच ऑयल डाल दे रही हूं, बटर, घी आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये रख देना है इसके। दोनों साइड से हमें इसे गोल्डन ब्राउन करना है। जब दोनों साइड से सिक जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो हम इसे निकाल सकते हैं। अभी सिक चुका है दोनों तरफ से, अब हम इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। आप इसे चटनी के साथ या छोलों के साथ या दाल के साथ खा सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी, हमें जरूर बताएं। सजेशन बॉक्स में सजेशन दें। थैंक यू सो मच।